हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, अगर आप लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर आप लोगों का खाता है जीरो बैलेंस का, सेविंग अकाउंट, सैलरीड अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। यानी कि दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है, अगर आप लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कोई सा भी खाता है और आप लोग चाहते हो दोस्तों ऑनलाइन इसके अंदर मोबाइल नंबर को चेंज करना, तो दोस्तों कैसे मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। जो दोस्तों मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों, वो है एटीएम के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों का SBI का दोस्तों आप लोगों के पास ATM कार्ड अगर आप लोगों का बना हुआ है, तो दोस्तों आप ATM मशीन पर जाके आप इजीली मोबाइल नंबर चेंज कर पाओगे और आपको दोस्तों बैंक ब्रांच जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों को SBI के अंदर मोबाइल नंबर चेंज करना है ऑनलाइन, तो देखो दोस्तों आपका जो पुराना वाला मोबाइल नंबर उसके अंदर पहले से रजिस्टर है, वाला मोबाइल नंबर आप लोगों का एक्टिव होना चाहिए। अगर दोस्तों वाला मोबाइल नंबर अगर आप लोगों का एक्टिव है, तो आप इजीली ATM मशीन पर जाके मोबाइल नंबर चेंज कर पाओगे। तो कैसे मोबाइल नंबर चेंज करना, चलो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बता देता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखो, हम आ चुके हैं अभी SBI के ATM मशीन पर। आपको क्या करना है, आपको अपने ATM कार्ड को लेकर जाना है ATM मशीन पर, और यहाँ पर आने के बाद आपको अपने ATM कार्ड को डालना है ATM मशीन के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आएगा कुछ इस तरीके से, जहाँ पर लिखा आएगा प्लीज़ सिलेक्ट योर लैंग्वेज। आपको अपना लैंग्वेज कर लेना है सिलेक्ट, इंग्लिश या फिर हिंदी, जिस लैंग्वेज में आप कम्फर्ट हो वो लैंग्वेज आप कर लेना सिलेक्ट। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बोलेगा प्लीज़ इंटर योर पिन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको डालना अपना ट्रांजेक्शन पिन, जिससे आप पैसे विड्रॉल करते हो, ट्रांजेक्शन पिन यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखो बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन का, आधार रजिस्ट्रेशन का, इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट, IMPS, LPG रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन और फ़ोन बैंकिंग। आपको दोस्तों क्या करना है, मोबाइल नंबर जो है चेंज करना है, तो आपको मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में आपको चले जाना है। इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से लिखा है, दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक मिलेगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का, दूसरा मिलेगा आपको चेंज मोबाइल नंबर का। आपको दोस्तों चेंज मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में जाना है, क्योंकि मोबाइल नंबर हमें अपडेट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोलेगा इंटर योर ओल्ड मोबाइल नंबर, जो आपका पुराना वाला मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते में रजिस्टर है वाला मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, और आपको यहाँ पर करेक्ट वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। उसके बाद आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है री इंटर योर ओल्ड मोबाइल नंबर। दोस्तों जो आपने पुराना वाला मोबाइल नंबर आपने पीछे डाला था, वही आपको दोबारा से आपको यहाँ पर डालना है, री इंटर करना है मोबाइल नंबर, और आपको यहाँ पर करेक्ट वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप करेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसीड प्लीज वेट। अब दोस्तों आपको कुछ समय यहाँ पर वेट करना है, आपका रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस में चला गया है। अब देखो आपके पास ऑप्शन आएगा दोस्तों मोबाइल नंबर को चेंज करने का, यहाँ पर देखो आ गया ऑप्शन इंटर योर न्यू मोबाइल नंबर, जो दोस्तों आपको नया वाला मोबाइल नंबर आपको अपडेट करना है, जो चेंज करना है, अब यहाँ पर वो वाला मोबाइल नंबर आपको डालना है और आपको करेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों दोबारा से आपको सेम वही वाला मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपको चेंज करना है, जो भी आपने पीछे डाला है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, और फिर से आपको यहाँ पर करेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हो, यहाँ पर लिखा आएगा योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसीड प्लीज वेट। अब दोस्तों कुछ समय यहाँ पर आपको फिर से वेट करना है, क्योंकि आपका जो रिक्वेस्ट है प्रोसेस में चला गया है। कुछ समय वेट करने के बाद यहाँ पर लिखा आएगा प्लीज सेंड OTP एंड रेफरेंस नंबर रिसीव्ड इन SMS फ्रॉम न्यू एज वेल एज एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर टू द फॉलोइंग फॉर्मेट। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका जो पुराना वाला जो मोबाइल नंबर है उस पर एक फॉर्मेट आपको मैसेज किया गया है, आपको दोस्तों क्या करना है, वही सेम फॉर्मेट आपको नया वाला जो मोबाइल नंबर है उससे आपको भेज देना है। किस पे, 567676 मेरे पास ये नंबर शो रहा है, आपके ATM स्क्रीन पर जो भी नंबर शो होगा उस पर आपको मैसेज आपको भेज देना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना जो आपको फॉर्मेट आपको जो मैसेज किया गया होगा आपके पुराने वाले नंबर पर, वो दोस्तों 4 घंटे का वैलिड रहेगा, मतलब 4 आवर के लिए ये वैलिड रहेगा, 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये मैसेज करना है। ठीक है, मैसेज सेंड करने के बाद दोस्तों आपको 24 घंटे के अंदर आपके पास मैसेज आ जाएगा आपके नए वाले नंबर पे, हो सकता है पुराने वाले नंबर पे भी आ सकता है मैसेज कि आपका मोबाइल नंबर जो आपने चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट डाला है वो आपका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है। ठीक है, तो देखो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर दोस्तों मोबाइल नंबर आप ATM मशीन से चेंज कर सकते हो, और दोस्तों अब आपको बैंक ब्रांच जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना इस वीडियो को। ठीक है,
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ।